सुप्रभात, मैं शुभांगी स्वागत करती हूं आपका देवभूमि इनसाइडर में। रुक करते हैं आज की सुर्खियों की ओर। सबसे पहले देश और दुनिया की खबरें। तेलंगाना में पीएम मोदी बोले, बीआरएस हो या कांग्रेस, दोनों ही तेलंगाना के लिए घातक, भाजपा करेगी इनका पत्ता साफ। मुंबई में 6000 किलो लोहे से बना पुल चोरी, बनाने वाली कंपनी के कर्मी ही निकले चोर, चार गिरफ्तार। पाकिस्तान की टीम विश्व कप के लिए भारत आएगी या नहीं, इस पर हाई लेवल कमेटी लेगी फैसला, शहबाज शरीफ का ऐलान। इंडिया पोस्ट ने पहली जीडीएस स्पेशल मेरिट सूची की जारी, 12,828 रिक्तियों पर हो रही भर्ती। ट्रंप के खिलाफ मुकदमे से करदाताओं को लग रहा चूना, हर महीने खर्च हो रहे 8 करोड़ रुपए के बराबर की राशि। तो ये थी सुर्खियां देश और दुनिया की। अब बढ़ते हैं उत्तराखंड की सुर्खियों की ओर। धर्मनगरी में सीएम धामी ने किया शिव भक्तों का स्वागत, कांवड़ियों के धुले पैर। सीएम धामी ने की राज्यपाल से मुलाकात, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा कर। पौड़ी में स्थापित होगी देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत की प्रतिमा, पास में लहराएगा राष्ट्रीय ध्वज। प्रदेश में 10 जुलाई तक बारिश का रेड अलर्ट, कई जिलों में बिगड़ सकते हैं हालात। धामी सरकार का सख्त रवैया, आयुर्वेद विश्वविद्यालय की वित्त नियंत्रक को किया निलंबित। तो ये थी आज की सुर्खियां। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप। जय हिंद।